राफे भाई के स्लीपर लेने जा रहे हैं, आपने जाना है? पढ़ाइयाँ हो रही हैं तो गाइस राफे के स्लीपर लेने जा रहे हैं, वहाँ से लेके दिए थे इसलिए ये भी पीछे पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। गला अभी तक नहीं ठीक हुआ तो राफे के स्लीपर लेने जा रहे हैं, ये पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वासे को भी लेके दिए थे तो ये कह रहा है मुझे भी लेके दे। हालांकि इसके स्लीपर बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके। बीमार इसको फेंक देना चाहिए। मुस्तफ़ा को बुलाया नहीं आपने? बुलाया, वो कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा नहीं आना आपने? अच्छा चलो ठीक, चलो आओ, चाबी लेके आओ गाड़ी। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं। अच्छा मेरे जो स्लीपर हैं कम से कम भी 2 साल ज़रूर चलते हैं। जो मेरे आखिरी वाले स्लीपर थे ना, लास्ट वाले, वो तकरीबन 3 या 4 साल चले हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा चले हैं। ऐसे ही है ना बेटा, घर में चलाते हैं ये मसले। मैं घर में भी चलाता हूँ, बाहर भी वॉक करता हूँ, अभी भी मैं स्लीपर पहन के बाहर आया हूँ, लेकिन इनके पता नहीं 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलते। 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम 6 महीने, इसकी मुझे आज तक समझ नहीं है। इनको मैं कहता हूँ पैर सीधे करके चलो, स्लीपर पहन के भागा मत करो, लेकिन ये सुनते नहीं। मुस्तफा का मसला है, आपका भी मसला? मेरा मसला नहीं है, मैं सीधे पैर करके चलता हूँ। तो वैसे हम पहुँच गए और ये कह रहे हैं कम अज़ कम वास्ते से अच्छे वाले। कंपटीशन है आपका? अच्छा आप बताएं कैसे? सही है लेकिन इतने पसंद नहीं है मुझे। वासे ने तो लिए हैं, वासे वाले कितने? वासे वाले में से हैं कोई? वासे वाले नहीं पड़े हुए यार, ये अच्छे हैं ये वाले। हाँ ना ये पसंद नहीं, टूट जाएंगे। हैं टूट जाएंगे जल्दी बेटा, जो भी लोग हैं वो तो टूट रहे हैं। ये इस तरह के नहीं टूटेंगे ये वाले जी, टूट जाएंगे। ये भी निकल जाएगा, रबर है, निकल जाएगा, ये भी रबर है। इसने टाइम लगाना है यार, इसने कोई वहाँ पे टाइम लगाया है, आधा घंटा लगाया है स्लीपर चूज करने में, और फिर भी स्लीपर नहीं लिए इस बंदे ने। आधा घंटा का लगाया है, 10 मिनट लगे हैं सिर्फ। आधा घंटा पूरा लगाया है इस बंदे ने, बल्कि आधा घंटा भी नहीं, 35 से 40 मिनट इसने लगाए और स्लीपर लिए भी नहीं। 10 मिनट लगे लेकिन लगा ऐसे कि आगे आधा घंटा लगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगाया। क्यों नहीं लिए स्लीपर? पसंद ही नहीं आया कोई। इनके लेवल के स्लीपर नहीं पड़े हुए। अभी वो कह रहे हैं 2-3 दिन बाद आइएगा, हमारा नया स्टॉक आ रहा है, इसने कहा मैं तो 2 दिन बाद आके लूँगा। और हम घर पहुंच गए हैं और ये जो हैं जनाब साहब, ये बना रहे हैं चिपस। ये भी चिपस। किसकी चिपस है? ये अब्दुल राफे की। इसका मतलब है मुझे नहीं मिल सकते। यही मतलब है ना इसका, हंसी जा रहे हो। मेरी तुमने रोटी नहीं बनाई? बनी हुई सर, कब की बनी हुई थी, अभी मैंने उठाया। गरम गरम रोटियाँ कहाँ हैं? ये है रोटी। यार रोटी गरम तो नहीं है, रोटी तो ठंडी है। नहीं ये दोपहर वाली है। नहीं सर बस यही दे दो, अब नहीं बनानी सर, ये यही चाहिए। ये ऊपर देखें, गाड़ी में क्या हुआ था? गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ। कहना आपकी लड़ाई हो गई थी। नहीं नहीं लड़ाई नहीं, मैं अभी बताता हूँ। मैं तुम्हें भाई ओ इधर ही हूँ। ऊंची ऊंची बुलाई जाएगा, ऊंची ऊंची कमरे में ले आएगा शुएब साहब। इसके बाद भाई तो आज हम खाएंगे जी करेले, दीज आर द करेलाज। और आपने क्या खाया? दाल दो पराठों के साथ। तुम्हें नहीं खाया, दाल खाई है। आइसक्रीम पार्लर पे क्या हुआ था? आइसक्रीम पार्लर पे ये हुआ है, राफे साहब ने ऑर्डर दिया है और कोन नहीं लेके आ रहे। हमने कहा सिंपल कोन हमें चाहिए, 2 वनीला सिंपल कोन। 20 मिनट हो गए ऑर्डर नहीं लेके आ रहे। उसके बाद फिर ये उठ ही नहीं रहा था, गाड़ी में से निकल ही नहीं रहा था, इसको शर्म आ रही थी। नहीं शर्म नहीं, मैं बैठा हुआ था, मैं वेट कर रहा था कि आप उतरेंगे। ये कह रहा था मैं जाके ना पैसे वापस ले आता हूँ। मैं कहा पैसे ऐसी की तैसी वापस क्यों लेके आ रहे हैं, कौन लेके आएंगे हम लोग। फिर मैं उतरा, मैं कौन लेने गया, मैंने ऐसे करके ऐसे किया। वो खड़े हुए थे लोग, खड़े हुए थे, मैं फिर सेंटर में जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा फोन दो, मेरी देनी है कि नहीं देनी, ऐसे तो नहीं कहा था, ये नहीं है मारा। हाँ बिल मैंने काउंटर पे फेंका। मैं कहा इतनी देर से हम खड़े हुए, 20 मिनट हो गए, पहले हमारे से गाड़ियाँ, अब वो बाद में गाड़ियाँ आई हैं, उनको आप आइसक्रीम दे रहे हैं, 10 गाड़ियाँ आपसे संभाली नहीं जा रही। ऐसे ही बोल रहा था। जो ऊंची वाला थी मेरी गाड़ी, वो गाड़ी पीछे एंड पे हमारी गाड़ी हट गई, बाद में वहाँ तक आ रही थी। ऐसी ओवर रिएक्ट कर रहा है। मैंने कहा कौन दो उसने, फिर कौन दे दी, बस ये हुआ है। तो आप लोग हंस क्यों रहे हो? आप लोगों को इसने क्या बताया? आप लोगों को कह रहे हमारा ऑर्डर 20 मिनट से नहीं आ रहा था, पापा गाड़ी से उतरे हैं, पापा ने सौरभ को ऐसे धक्का दिया, 10 लोग खड़े थे सीढ़ियों से नीचे के लिए, उनका ऐसे धक्का दिए, फिर ऐसे जाके बिल मारे आगे। 10 लोगों को मैंने ऐसे किया है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए हैं, मैं सुपर फैन हूँ। एक चीज़ ना मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, आपको और आपको, इनको मैं लेके गया हूँ स्लीपर लेने के लिए, हम लोग गोल्ड क्रश करेंगे। आधा घंटा, पूरा आधा घंटा, 30-35 मिनट्स ये बंदा
मतलब बंदा नहीं है, मुझे लगा कि मैं किसी लड़की को लेके गया हूँ। डांस क्यों कर रहे हो, डांस क्यों कर रहे हो? नहीं करा। एक एक स्लीपर इसने पहन के देखा है और उसके बाद कहता है मुझे कोई स्लीपर नहीं पसंद आया। मैं इसको वही कहता ना जाओ, नहीं पसंद आया। क्यों गए हो तुम, क्यों डिस्टर्ब किया मुझे? मैं चेक कर रही थी कैसे स्लीपर पड़े हैं। मतलब अगर तुमने लेने नहीं थे फिर क्यों लेके गए? लेने थे, मैंने लेने थे, ये बात नहीं है। उनके पास स्टॉक इतना गंदा पड़ा हुआ था, इतना गंदा। आइंदा मैंने नहीं लेके जाना, ये खुद ही जाएगा जाना स्लीपर लेने के लिए। हाँ ये बिल्कुल आपने सही बात, खुद ही जाएगा स्लीपर लेने के लिए। लड़कियाँ कहती हैं ऐसे ऐसे, आप देखते 5-10 मिनट और कहते लेना है नहीं लेना, उसी टाइम डिसाइड करते। डिसीजन जल्दी लिया करो। 5 मिनट ये लगाता है क्योंकि मैं इसका पसंद करता हूँ, और इसने भी 5 मिनट लगाए थे और उठा लिया इसने स्लीपर। अच्छा वो, अच्छा वो भी तंग आ गए, उन्होंने कहा आप बाद में आइए, बाद में वो हाँ प्रोमिस कहते हैं आप ना इस तरह कीजिएगा, आप एक दो दिन बाद आ जाए तो हमारा नया स्टॉक आ जाएगा फिर ले लीजिएगा आप। वो तंग आ गए थे हमारे से। आइंदा तो नहीं जाऊंगा मैं, वो हमें पहचान लेंगे जब जाऊंगा दोबारा, हमें एंटर नहीं होने देंगे। तो अभी मैं किचन में आया हूँ चाय बनाने के लिए, तो एक कमेंट आया उसमें लिखा हुआ था कि जी मैं अपने बच्चों को ना उनकी माँ से मिलने नहीं देता, खासतौर पर जो मुस्तफा है उसको अपनी मदर की बहुत जरूरत है, वो बहुत छोटा है, आप उनसे मिलने नहीं देते, आपके जो भी उनके साथ इख्तलाफात हैं वो आप खत्म कर दें और बच्चों को मिलने दें। मेरे ख्याल में आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, मैंने उसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया था, शायद आपने चैनल जो है वो बाद में सब्सक्राइब किया है। बेसिकली बात यह है कि जब उनका फोन आता है, जब वो याद करती हैं, जब उनका कोई मैसेज आता है, पहले तो ये था कि उन्होंने फोन भी बंद कर दिया था, कोई कांटेक्ट नहीं था, सिर्फ वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करती थी। तो बात दरअसल ये है कि उनको जब याद आती है ना तो मैं ही बच्चों को छोड़ के आता हूँ और मैं ही बच्चों को लेके आता हूँ। हालांकि उनके वाले साहब के पास गाड़ी है, वो गाड़ी पे खुद भी आ सकती हैं और खुद भी छोड़ के जा सकती हैं। 10 से 12 मिनट का रास्ता है मेरे घर का और उनके घर का। तो बात ये होती है कि किसी को बातें करना आसान होता है, किसी को जज करना आसान होता है। आप लोग इतनी जल्दी जो है ना जज ना किया करें किसी को। उनकी जो मिलने की रूटीन है वो यही है, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, और वैसे भी अभी बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। बच्चे भी कहते हैं लोग किस किस्म के सवाल कर रहे हैं, मैं 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं हर रोज तो नहीं ये बात रिपीट कर सकता ना। बच्चों ने मुझे यहाँ तक कहा आप इस तरह करें, हमें ना रस्सियों से बांध के ना एक थंबनेल ले लें, एक पिक्चर खींच लें, वो लगा दें कि लोगों को पता चले कि आप हमें मिलने नहीं देते। इस किस्म के कमेंट्स का बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं, और मैंने एक व्लॉग में बताया था कि बच्चों को सारी रियलिटी का पता है क्योंकि बच्चे वहां जाते रहे हैं, उनको पता है कौन गलत है कौन ठीक है। और जो बच्चे हैं ना उनको किसी ना किसी इवेंट में बुलाया जाता है, या हफ्ते वाले दिन बुला लिया जाता है, या इतवार वाले दिन बुला लिया जाता है, या कोई खाना शाना हो रहा होता है, कोई इवेंट हो रहा होता है उस पर बुला लिया जाता है। तो मेरे बच्चे जो है ना वो एज अ गेस्ट इनवाइटेड होते हैं, बेसिकली ईद पे चले गए, इकट्ठे होकर कहीं खाने पीने जा रहे हैं उधर चले गए, तो एज अ गेस्ट जाते हैं। और नॉर्मल कपड़े पहन के चले जाए ना मेरे बच्चे, मतलब जो घर में पहने होते हैं नॉर्मल कपड़े, तो मेरे बच्चों को भिखारी कहा जाता है, मेरे बच्चों को फकीर कहा जाता है। ये बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई थी, मुझसे गलती हुई डिलीट करके, बहुत बड़ी गलती हुई। तो अभी मेरी चाय रेडी हो गई है, तो बस इतना ही कहूंगा कि किसी को इतनी जल्दी मत जज किया करें। जब वो बुलाती है तो फिर चले जाते हैं बच्चे, और वो फिर बुलाती 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद बुलाती है क्योंकि वो रख नहीं सकती। और जब वो गई थी मुस्तफा बहुत छोटा था, उसको वो ले सकती थी, कस्टडी फाइल कर सकती थी। बार बार मैं उनके वर्ड्स रिपीट नहीं करना चाहता जो उन्होंने कहे थे, तो प्लीज जज ना किया करें। लियो को क्या कही जा रहे हो आप दोनों है? क्या मिंगयान वासे में ना नाम रखा। मिंगयान क्या है, मिंगयान क्या है बताओ? लियो का नाम ही चेंज कर दिया, लियो को कह रही है मिंगयान, मिंगयान करके बुला। अच्छा प्यार से उसका नाम मिंगयान रखा हुआ। ये चकल दोबारा बना के दिखाओ, नहीं अच्छी लग रही है, कभी नहीं बिल्ली वाली, कभी नहीं। ऊपर जा रहे हो आप लोग? मेरी थोड़ी सी चाय रह गई है बस, वो मैं पी के आ रहा हूँ, ऊपर ही आ रहा हूँ। मुझे पता था ये लोग YouTube पे कोई ना कोई वीडियो देख रहे होंगे, पता था मुझे। और कस्टर्ड खाया जा रहा है, मुझे भी चेक कराओ थोड़ा सा। 3-4 महीने बाद बनवाया मैंने मदर अंकल से। तो ये बेटे आपकी गलती है ना, मेरी गलती, मेरी गलती है। मैं मदर अंकल हर रोज कहता हूं कस्टर्ड बनाते, मदर अंकल बनाते ही नहीं है। आपने मुझे कहा एक दफा कस्टर्ड बनाने के लिए, मैं मदर अंकल को कहता हूं। मुझे कहो ना, मदर अंकल को तो सही तरह बनाना भी नहीं आता। ये अच्छा बने लेकिन ऐसा बने, ये बहुत हार्ड है, इस तरह नहीं होता, थोड़ा मैंने व्लॉग में आपकी लाइन कह दी है, आप खाएंगे कस्टर्ड, आप ये कहेंगे
आपकी लाइन मैंने कह दिया। लाइन कहने से कुछ नहीं होता, क्या हो गया दे दो। कल बर्गर किसने दिया था? कल बर्गर किसने दिया था? ओरियो किसने दिए थे? तो बर्गर ज्यादा होते दिखाओ ना थोड़ा सा, एक चम्मच थोड़ा सा दिखा दो। आप ये वाली साइड लेते हैं, ये देखें कितना मजे का कस्टर्ड, और इसकी शक्ल देखें। सही है, ठीक है। क्या मसला है? बिल्ली का लियो का असर हो गया, वो भी इस तरह ही करता है। आपने साइड वाली साइड ले ली है तो क्या हुआ? जिसके ऊपर बहुत है, ये मलाई होती है, पता है आपको, ये कस्टर्ड की मलाई अच्छी होती है। तो गाइस अभी अभी राफी का फोन आया कि अब्बू की कमर में दर्द हो रही है, उनको दर्द होती रहती है, कैंसर की वजह से उनको दवाई देने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस अब्बू को दवाई दे दी है, आई होप कि उनकी जो दर्द है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।